तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3। तो ये कहानी है एक ऐसे समझदार और अपने माँ बाप से प्यार करने वाले बेटे की। वो इतना मेहनती बच्चा था और इतना मेहनती लड़का था कि उसने इतनी मेहनत की ताकि वो अपने माँ बाप की हर इच्छा पूरी कर सके, और तभी उसे एक बिन मांगी मदद मिलती है। तो देखिए उसे कैसी मदद मिलती है। तो इस लेसन का नाम है टारोस रिवॉर्ड। टारो उस बेटे का नाम है। टारोस रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब होता है जो आपको प्राइज दिया जाए या जो आपको गिफ्ट दिया जाए, या आपने कुछ अच्छा काम किया हो उसके बदले में आपको कुछ मिले। तो स्टार्ट करते हैं लेसन। अ यंग वुड कटर नेम टारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरी थिंग दे नीडेड। एक जवान लकड़हारा, वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा, यंग का मतलब होता है जवान। एक जवान लकड़हारा यानी कि लकड़ी काटने वाला जिसका नाम टारो था, वो अपने माता पिता के साथ एक सुनसान पहाड़ी पर रहता था। सारा दिन वो लकड़ी काटता था जंगल में। वैसे वो बहुत मेहनत करता था पर फिर भी वो बहुत कम पैसे कमा पाता था क्योंकि वहां पर लकड़ी का पैसा बहुत कम मिलता था। इससे वो और दुखी होता था क्योंकि वो बहुत सोचता था अपने माँ बाप के लिए और चाहता था कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को वो सब दे जो उन्हें चाहिए। वन इवनिंग व्हेन टारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। इट whistled थ्रू द cracks ऑफ द हट एंड everyone felt वेरी कोल्ड। Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of save. It would warm me and do my old heart good. एक शाम को जब टारो और उसके माँ बाप अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे, तभी जोर से हवा चली। वो हवा उस झोपड़ी में जितने भी छेद हुए हुए थे उनमें उनसे सीधी अंदर घुसी। तभी टारो के बाबा ने यानी कि उसके पिता ने कहा, काश मेरे पास एक कप होता फावे का। फावे एक बहुत ही नामी जापानीज यानी कि जापानी ड्रिंक है, यानी कि पीने के लिए जापानी ड्रिंक जिसे जापान में पिया जाता है और इसका नाम होता है फावे। तो टारो के पिता ने कहा, काश मेरे पास एक कप होता फावे का, ताकि उससे मैं गर्म रहता और मुझे ठंड कम लगती और मेरा बूढ़ा दिल भी ठीक रहता। This made टारो sadder than ever, for the heartwarming drink called फावे was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little fave for my poor old father? He decided to work harder than before. इससे टारो और दुखी हो गया क्योंकि जो दिल को गर्म करने वाली ये ड्रिंक यानी कि जैसे हम चाय पीते हैं ना, वैसी ही फावे एक पीने की चीज है, क्योंकि जो ये पीने के लिए फावे थी वो बहुत ही महंगी होती है। उसने अपने आप से पूछा, मैं कैसे और पैसे कमाऊं ताकि मैं अपने बूढ़े माँ बाबा के लिए थोड़ा सा फावे ला सकूं। उसने सोचा कि वो पहले से भी ज्यादा काम करेगा और पहले से भी मेहनत से काम करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed.
And soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. अगली सुबह टारो अपने बिस्तर से वो जब उठता था उससे बहुत पहले उठ गया और सीधा जंगल चला गया। उसने लकड़ी काटी और तब तक काटता गया जब तक सूरज उगा और बहुत जल्द उसे बहुत गर्मी लगने लगी और इतनी गर्मी लगने लगी कि उसे अपना जैकेट भी उतारना पड़ा। उसका मुंह पूरा सूख चुका था और उसका चेहरा पसीने से बिल्कुल गीला हो चुका था। उसने सोचा, मेरे गरीब बूढ़े पापा, मेरे गरीब बूढ़े पिता, काश वो उतने गर्म हो पाते अभी जितना मैं हूं। And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the fave to warm the old man's bones. और ये सोचकर ही उसने और ज्यादा तेजी से लकड़ियां काटना शुरू किया, ये सोचकर कि इनसे वो जितना और एक्स्ट्रा पैसा कमाएगा ताकि वो फावे खरीद सके अपने बूढ़े बाप की हड्डियों को गर्म रखने के लिए। Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. Tabhi achanak se टारो ने लकड़ियां काटना रोक दिया। वो क्या आवाज थी जो उसने सुनी? क्या सच में उसने बहते हुए पानी की आवाज सुनी? टारो को याद नहीं आया कि कभी भी उसने जंगल के इस कोने में या तो देखा हो या सुना हो बहते हुए पानी को या नदी को। वो उसे बहुत प्यास लगी थी। उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और वो जहां से आवाज आ रही थी उस दिशा में भागा। टारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it fave? He tasted it again and again. And always it was the delicious fave instead of cold water. Taro ने एक बहुत ही सुंदर छोटा सा झरना देखा एक चट्टान के पीछे, एक पत्थर के पीछे। वो अपने घुटनों पर बैठ गया एक ऐसी जगह पर जहां पे पानी बहुत धीरे से बह रहा था और उसने अपने हाथों को साथ में जोड़ा अपनी हथेलियों को और वो पानी अपनी हथेलियों में लिया और अपने होंठ तक ले गया। क्या ये पानी है या क्या ये फावे है? उसने दोबारा चखा और बार 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 उसे पिया और उसे तब पता चला कि ये ठंडे पानी की बजाय बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट फावे था। टारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। The old man was delighted with the sake. The old man was delighted with the fave. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. Taro ने जल्दी से अपनी मटकी भरी जो उसके साथ थी और घर भागा। उसके बूढ़े बाबा, उसके बूढ़े पिता बहुत खुश हुए फावे पाकर। सिर्फ उस फावे का सिर्फ एक घूंट पीते ही उन्होंने कांपना बंद कर दिया और अपने आंगन के बीच में नाचने लगे। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the fave. The lady drank it greedily
the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. उसी दोपहर को एक पड़ोसी उनके घर पे आई। तारो के बाबा ने उन्हें बहुत प्यार से वो फावे का एक कप दिया पीने को। उस औरत ने बहुत ही लालची तरीके से उसे पिया, ऐसे पिया जैसे उसे और चाहिए था, और उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहा। तब तारो ने उनको उस जादुई झरने की कहानी सुनाई। वो औरत वहां उनको धन्यवाद कहकर, उस बहुत ही स्वादिष्ट फावे के लिए धन्यवाद कहकर बड़ी जल्दी में निकल पड़ी। रात होते होते उसने ये कहानी पूरे गांव में फैला दी थी। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the fave. In less than an hour, the pitcher was empty. उस शाम को वहाँ बहुत बड़ी भीड़ थी लोगों की उस लकड़हारे के घर पर, यानी कि तारो के घर पर। हर आदमी ने उस झरने की कहानी सुनी, उस जादुई झरने की, और फावे का एक घूंट पिया। एक घंटे से भी कम समय में वो मटकी पूरी खाली हो गई। Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, and anything they could find to hold the magic fave. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again and then shouted angrily, "Water? Nothing but water." Others also tried, but there was no fave, only cold water. Agli subah, Taro apne kaam ke liye aur jaldi nikal gaya. Usne apne saath ghar ki sabse badi matki li, क्योंकि उसने ऐसा सोचा कि वो सबसे पहले उस जादुई झरने के पास जाएगा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा उसके सारे पड़ोसी वहां पहले से थे। उनके पास मटकी, जग, बाल्टी, जो भी वो ला सकते थे उस फावे को, उस जादुई फावे को ढालने के लिए, वो उनके पास था। तभी एक गांव वाला अपने घुटनों पर बैठा और अपना मुंह उसने उस झरने के पास लगाया उसको पीने के लिए। उसने पिया और पीते ही उस वो इतनी जोर से चिल्लाया, "पानी है और कुछ नहीं, बस पानी." बाकी सबने भी कोशिश की पर वहां कोई फावे नहीं था, सिर्फ ठंडा पानी। "वी हैव बीन ट्रिक्ड," शाउटेड द विलेजर्स, "वेयर इज तारो? लेट अस ड्राउन हिम इन द वॉटरफॉल." But Taro had been wise enough to slip behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found. हमें हमारे साथ तारो ने मजाक किया है, हमें उसने छला है, सारे गांव वाले चिल्लाए, "कहां है तारो? चलो उसे इस झरने में डुबो दे." पर तारो बहुत ही चालाक था और बहुत ही समझदार। वो उस पत्थर के पीछे छुप गया और उसको इतनी देर से देख रहा था कि क्या चीजें चल रही हैं। अब वो किसी को भी नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. Was the fave a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine fave. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious fave. To everyone else, it gave only cold water. अपने गुस्से में
और हताश होकर धीरे धीरे सारे गांव वाले जाने लगे। जैसे ही सब चले गए, तारो अपनी उस छुपने वाली जगह से बाहर आया। वो सोचने लगा, क्या सच में फावे एक सपना ही था? उसने एक बार फिर से थोड़ा सा पान अपने हाथ में लिया और अपने मुंह तक लेकर आया। वो वही फावे था, वही स्वादिष्ट फावे। उस समझदार और अपने माँ बाप से प्यार करने वाले बेटे के लिए उस जादुई झरने से फावे निकलता था, पर बाकी सबके लिए सिर्फ ठंडा पानी। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो। दिस सेट द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। टारो की कहानी और उसके जादुई झरने की कहानी जापान के राजा तक पहुंची। उन्होंने उस जवान लकड़हारे यानी कि टारो को बुलाया और उसे 20 सोने की अर्शफियां यानी कि 20 सोने के सिक्के तोहफे में दिए, क्योंकि वो इतना अच्छा और इतना नेक दिल इंसान था जो अपने माता पिता के बारे में इतना सोचता था। और उसके बाद उन्होंने शहर का सबसे खूबसूरत झरना टारो के नाम पर रखा। उन्होंने शहर के सबसे खूबसूरत झरने को टारो का नाम दिया। और ये राजा ने कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि जापान का हर बच्चा इस बात से प्रेरित होकर अपने माता पिता का सम्मान करे और उनकी बात माने और उनसे उतना ही प्यार करे। तो देखा आपने ये कहानी कितनी अच्छी थी। चलो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड टारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम? टारो उस नदी की दिशा में क्यों भागा? इसका जवाब आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 5 में। तो जैसा हमने पढ़ा, टारो क्यों गया? क्योंकि वो जब उसे आवाज आई उस झरने की, एक तो वो पहले से ही प्यासा था और दूसरा उसने पहले कभी ये ना तो सुना था ना देखा था कि वहां पर कोई झरना है, तो इसलिए वो वहां भागा क्योंकि वो बहुत प्यासा भी था। हाउ दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड टारोस फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग फावे? टारो के बाबा ने कैसे अपनी खुशी दिखाई फावे पीने के बाद? तो जैसे हमने पढ़ा कि उन्होंने जैसे ही एक घूंट पिया वो घर के आंगन के बीच में नाचने लगे। और ये जवाब आपको इंग्लिश में लिखना है अपनी कॉपी में और ये आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 7 में। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द वॉटरफॉल गिव टारो फावे एंड अदर्स वाटर? उस झरने से टारो को फावे और बाकी सबको पानी क्यों मिला? क्योंकि जैसा हमने कहानी से देखा, उस जादुई झरने से टारो को फावे इसलिए मिला क्योंकि वो बहुत ही सोचने वाला, अपने अपने माता पिता के लिए सोचने वाला और उनसे प्यार करने वाला बेटा था। और बाकी सबके साथ ऐसा कुछ नहीं था, बाकी सब सिर्फ फावे पीने के लालच में वहां आए थे, इसलिए उन्हें सिर्फ पानी मिला। इसका जवाब आपको पैराग्राफ नंबर 12 में मिलेगा। अगला सवाल है, व्हाई डिड द विलेजर्स वॉन्ट टू ड्राउन टारो? इसका जवाब आपको 10 और 11 नंबर के पैराग्राफ में मिलेगा। इसका जवाब इस सवाल ये है कि जो गांव वाले थे वो टारो को क्यों डुबाना चाहते थे उस जादुई झरने में, या उनके लिए तो सिर्फ वो एक मामूली झरना था। गांव वाले टारो को इसलिए डुबाना चाहते थे क्योंकि जब वो वहां फावे पीने आए तो उन्हें सिर्फ ठंडा पानी मिला और उनमें से कोई भी किसी को भी फावे नहीं मिला। अगला सवाल है, व्हाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड टारो?
राजा ने तारों को तोहफा क्यों दिया? तो इसका जवाब आपको पैराग्राफ नंबर 13 में मिलेगा, और इसका जवाब ये है, ताकि जैसा हमने लास्ट लाइन में पढ़ा, ऐसा उस राजा ने या एम्परर ने इसलिए किया ताकि जापान का हर बच्चा इस बात से प्रेरित हो और अपने माता पिता का सम्मान करे और उनकी बात माने। अगला क्वेश्चन है कि हमें इसमें से सही को चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है, तारो अर्नड वेरी लिटिल मनी बिकॉज, तारो बहुत कम पैसे कमाता था क्योंकि, पहला ऑप्शन है ही डिडंट वर्क हार्ड इनफ, क्योंकि वो ज्यादा मेहनत नहीं करता था। दूसरा ऑप्शन है द विलेजर्स डिडंट नीड वुड, गांव वालों को लकड़ी नहीं चाहिए थी। तीसरा है द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, लकड़ी का पैसा बहुत कम था। तो सही जवाब क्या है? थर्ड ऑप्शन, द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, लकड़ी का पैसा बहुत कम था। अगला सवाल है, टारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, टारो ने सोचा कि वो और पैसे कमाएगा, एक्स्ट्रा पैसे कमाएगा क्यों? पहला ऑप्शन है टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, ताकि वो एक अच्छी जिंदगी और अच्छी जिंदगी जी सके। दूसरा है टू बाय हिज ओल्ड फादर सम फावे, ताकि वो अपने बूढ़े बाबा के लिए फावे खरीद सके। तीसरा है टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, ताकि वो अपनी झोपड़ी के छेद को सही करवा सके। तो सही जवाब क्या है? आप सबको पता है, सेकंड ऑप्शन, ताकि वो अपने बूढ़े बाबा के लिए फावे खरीद सके। थर्ड क्वेश्चन है द नेबर लेफ्ट टारोज हट इन अ हरी बिकॉज, पहला ऑप्शन, जो पड़ोसी थी वो टारो के झोपड़ी से जल्दी में निकली क्योंकि, पहला शी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, उसे वो पीकर फावे पीकर बहुत खुशी हुई। दूसरा शी वॉज एस्टोनिश्ड टू हियर टारो स्टोरी, वो बहुत बहुत चक्की रह गई टारो की कहानी सुनकर। तीसरा शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वॉटरफॉल, उसे पूरे गांव को उस झरने के बारे में बताना था। तो आप सबको पता है इसका सही आंसर है तीसरा ऑप्शन, शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वॉटरफॉल। अगला क्वेश्चन है स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सूटेबल, आपको इस बॉक्स में से उन सारे शब्दों को काटना है जो आपको लगता है सही नहीं है। टारो वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरी थिंग दे नीडेड, टारो अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को वो सब देना चाहता था जो उन्हें चाहिए। ये दिखाता है कि वो क्या था, जैसा हमने कहानी में पढ़ा है, थॉटफुल एंड लविंग। तो पहला जो वर्ड है थॉटफुल, TH OUGHTFUL पहला, और दूसरे को काट देंगे तीसरा लविंग, चौथे को भी काट देंगे, पांचवे को भी, छठे को भी, सातवें को भी, आठवें को भी। अब दूसरा क्वेश्चन है दिस मेड तारो सैडर देन एवर, इसने तारो को पहले से भी ज्यादा दुखी कर दिया। दिस रेफर्स टू किस चीज ने तारो को पहले से भी ज्यादा दुखी कर दिया? ये हमने कहानी में पढ़ा है कि तारो अपने बाबा, अपने पिता के लिए वो महंगा फावे नहीं खरीद पा रहा था, या उसको महंगे फावे को खरीदने के लायक नहीं था, इस बात ने तारों को पहले से भी ज्यादा दुखी कर दिया। तो इसका सही ऑप्शन है थ्री, तारोस इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव फावे फॉर हिज फादर। सेकेंड क्वेश्चन है दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, राजा ने कहा कि ये इसलिए है ताकि हर बच्चे को प्रेरित किया जा सके कि वो अपने माँ बाप का सम्मान करे और उनकी आज्ञा का पालन करे। दिस रेफर्स टू, मतलब ऐसा क्या किया उस राजा ने? पहला ऑप्शन है द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी, क्या वो खूबसूरत झरना शहर में? दूसरा रिवॉर्डिंग टारो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, टारो को सोना तोहफे में देना
और उस झरने को उसके नाम पर रखना। तीसरा, सेंडिंग फॉर टारो टू हियर ए स्टोरी, टारो को बुलाना उसकी कहानी सुनने के लिए। तो आप सच जानते हो राजा ने क्या किया, राजा ने टारो को सोना सोने के 20 सिक्के तोहफे में दिए और शहर का सबसे खूबसूरत झरना उसके नाम पर रखा। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द वर्ड्स बिलो इन पेयर्स दैट राइम। तो जैसे कल भी हमने पढ़े थे लेसन नंबर 2 में भी, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं जो एक जैसी आवाज के साथ खत्म होते हैं, जैसे यंग और लंग, मनी और सनी। तो हमने पहला तो कर लिया यंग और लंग, अब ऐसे वैक्स के साथ क्या जाएगा, एक्स, WAX के साथ जाएगा, AXE, एक्स। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, वे, WAY, वे का मतलब होता है रास्ता, वे के साथ क्या जाएगा, डे, DAY, डे, डे का मतलब होता है दिन। अगला है सैड, सैड के साथ जाएगा बैड, BAD, बैड, SAD, सैड, BAD, बैड। नेक्स्ट है कुड, CUD, कुड, इसके साथ जाएगा WOOD, वुड। फिर है स्टॉप, STOP, स्टॉप, इसके साथ जाएगा CHOP, चॉप। फिर है मनी, मनी का तो हम देख ही चुके हैं, सनी। और फिर है अगला साउंड, साउंड, SOUND, साउंड के साथ क्या जाएगा, RUND, राउंड। फिर लास्ट है फास्ट, FAST, और जैसे मैंने बोला लास्ट है तो लास्ट फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अ डैश वुड कटर लिव्ड ऑन अ डैश हिल साइड। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, अ यंग वुड कटर लिव्ड ऑन अ लोनली हिल साइड, ही वॉज अ डैश सन हु वर्कड डैश, ही वॉज अ थॉटफुल सन हु वर्कड हार्ड बट अर्नड डैश मनी, बट अर्नड लिटिल मनी। वन डे ही सॉ अ ब्यूटिफुल वॉटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, ही टेस्टेड द वॉटर एंड फाउंड इट डिलिशियस। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड दी सेंटेंसेस इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको ये सेंटेंसेस कहानी में मिलेंगे और आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है, दिस मेड टारो डैश देम एवर। तो जैसा हम थर्ड पैराग्राफ में देखेंगे, कोष्टक में लिखा हुआ है ना तीन, तो थर्ड पैराग्राफ में देखेंगे, दिस मेड टारो सैडर देन एवर। अगला है, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। फिर है, ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर। फिर लास्ट है, नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब अगला जो है ये है टंग ट्विस्टर्स। टंग ट्विस्टर्स का मतलब क्या होता है, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जैसे हमने पढ़ा है ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, हम ऐसा बोलते हैं ना, जो एक ही अक्षर से शुरू होते हैं और जल्दी जल्दी इसलिए बोले जाते हैं ताकि वो आपका आपको अच्छे से बोलना सिखा पाए। तो आपको इंग्लिश में ये बोलना है और इनको अच्छे से याद करना है, और जितनी जल्दी और जितना साफ बोल सको उतना बोलने की कोशिश करना मेरे पीछे पीछे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। हाउ मच वुड वुड अ वुड चक चक इफ अ वुड चक वुड। हंसी आई ना सुनकर, फिर से करते हैं। हाउ मच वुड वुड अ वुड चक चक इफ अ वुड चक वुड। अब आप बोलने की कोशिश करना। अगला है, बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर बट द बिट ऑफ बटर वॉज अ लिटिल बिटर सो शी बॉट सम बेटर बटर
टू मेक द बिटर बटर बेटर। इसमें तो और ज्यादा हंसी आई ना। फिर से करते हैं। बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर, बट द बिट ऑफ बटर वॉज अ लिटिल बिटर, सो शी बॉट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। अगला क्वेश्चन है, तो जैसे आपने देखा स्टोरी, टारोज रिवॉर्ड शोज दैट टारो इज थॉटफुल, हार्डवर्किंग एंड ऑल्सो वाइज। रीड अलाउड द पार्ट्स ऑफ स्टोरी दैट शोज दीज क्वालिटीज इन टारो। टारोज रिवॉर्ड यानी कि कहानी हमें ये दिखाती है कि टारो कैसे बहुत सोचने वाला और बहुत मेहनती और समझदार लड़का था। तो अब हमें इस कहानी में से उन सारे हिस्सों को पढ़ना है जहां पे टारो की ये खूबियां दिखती है। तो ऐसा हमें कहाँ दिखाई देता है कि टारो बहुत समझदार था और बहुत सोचने वाला। जैसे हमने पढ़ा ना, जब टारो ने ये देखा कि उसके बाबा को फावे चाहिए तो उसने सोचा वो और ज्यादा मेहनत करेगा, तो ये क्या दिखाता है, वो थॉटफुल है। अगले दिन वो जल्दी सुबह उठ गया और वहां जाकर उसने लकड़ियां और जल्दी जल्दी काटना शुरू की। ये दिखाता है कि वो मेहनती है। और समझदार कैसे, जब उसने देखा कि वहां सारे गांव वाले इकट्ठे हुए हुए हैं और वो उसको डुबा देंगे उसमें, तो वो पीछे छुप गया। तो ऐसे ही आपको भी ढूंढने हैं इस कहानी में से। अगला क्वेश्चन है, लाइक पैट्रिक इन द स्टोरी हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, टारो इज हेल्प बाय मैजिक। डू यू बिलीव इन मैजिक? व्हाट आर द मैजिकल थिंग्स दैट हैपन इन दी स्टोरीज? जैसे हमने पहला लेसन पढ़ा था ना, पैट्रिक, किसने पैट्रिक का होमवर्क किया, वैसे ही टारो भी, जैसे पैट्रिक का होमवर्क भी जादू से हुआ था ना, वैसे तारों की मदद भी जादू ने की। तो आपको क्या लगता है, सच में जादू नाम की कोई चीज होती है? आप में से कितने लोगों को लगता है जादू सच में होता है? और ऐसे क्या आपको क्या लगता है, ऐसी क्या जादुई चीजें हुई है इन दोनों कहानियों में? तो ये आप आपस में बात करके इसका जवाब देना। अगला है कि आपको इन दोनों में से कौन सी कहानी ज्यादा अच्छी लगी और क्यों? और आपको ऐसी कोई कहानी पता है, आपने अपने मम्मी पापा से, अपने दादा दादी से या किसी से भी सुनी हो घर में? अगला क्वेश्चन है कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है इन दोनों कहानियों पर, और दोनों कहानियों में देखना है कि अलग क्या चीज है। कौन सी दोनों कहानियां? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क और टारोज रिवॉर्ड। अगला क्वेश्चन है कि अब हम देखेंगे, यहाँ तीन बच्चे बातें कर रहे हैं, तो सुनते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं। आई थिंक स्विमिंग इज मोर डिफिकल्ट देन ड्राइविंग, एक लड़के ने कहा। उसके पास वाले लड़के ने कहा, आई थिंक इट इज मच लेस डिफिकल्ट। फिर तीसरे ने कहा, एनी हाउ नीदर ऑफ देम इज एज डिफिकल्ट एज लर्निंग इंग्लिश। तो आपको क्या लगता है ये किस बारे में बात कर रहे हैं? तो पहले लड़के ने कहा, मुझे लगता है कि तैरना गाड़ी चलाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। दूसरे ने कहा, मुझे लगता है कि तैरना थोड़ा कम मुश्किल है गाड़ी चलाने से। फिर तीसरे ने कहा, जो भी हो दोनों में से कुछ भी उतना मुश्किल नहीं है जितना इंग्लिश पढ़ना है। तो आपको भी ऐसा लगता है? अगला क्वेश्चन है कि अब आपको यहाँ बहुत सारी चीजें दी गई हैं, तो आपको इनमें से ये डिसाइड करना है कि कौन सी सबसे अच्छा काम है, कौन सा सबसे बोरिंग काम है, कौन सा सबसे खतरनाक, कौन सा सबसे सेफ यानी कि सुरक्षित काम है, किस काम को करने से आपको तोहफे मिलते हैं और कौन सा काम करने में मजा आता है। जैसे कुकिंग, कुकिंग का मतलब होता है खाना बनाना। दूसरा है निटिंग, निटिंग का मतलब होता है सिलाई करना। निटिंग का मतलब होता है बुनना, क्या बुनते हैं हम, स्वेटर। तीसरा है रीडिंग, रीडिंग यानी पढ़ना। फिर चौथा है वॉकिंग, वॉकिंग यानी चलना। पांचवा है पेंटिंग, पेंटिंग यानी पेंट करना। फिर है फिशिंग, फिशिंग का मतलब है मछली पकड़ना। फिर है डांसिंग, मतलब डांस करना, नाचना। फिर है स्विंग,
सुइंग का मतलब होता है सिलाई करना। फिर है स्विमिंग, स्विमिंग का मतलब तैरना। वॉचिंग टीवी मतलब टीवी देखना। प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलना। लिसनिंग टू म्यूजिक, गाने सुनना। माउंटेन क्लाइंबिंग, पहाड़ पे चढ़ना। लर्निंग लैंग्वेजेस, नई नई भाषा सीखना। स्टैम्प कलेक्टिंग, जो पोस्ट कार्ड पे स्टैम्प आते हैं ना, जो डाकिया लेकर आते हैं, जिसे उनपे छोटे छोटे स्टैम्प लगे होते हैं, उनको इकट्ठा करना। तो अब आप लोग आपस में बात करके ग्रुप बना के ये सोचो कि इनमें से कौन सा काम सबसे ज्यादा मजेदार, या सबसे ज्यादा बोरिंग, या सबसे खतरनाक, सबसे सुरक्षित और तोहफे देने वाला काम है। अगला क्वेश्चन है कि आपको इन सारे शब्दों के आगे दो नए ऐसे शब्द लिखने हैं जो इनसे राइम करते हो, मतलब जो इनके जैसी आवाज के साथ खत्म होते हो। जैसे बेड के साथ क्या होगा, BED बेड, RED रेड। अब अगला आप सोचना। दूसरा है वैक्स, जैसे हमने ऊपर पढ़ा WAX वैक्स, वैक्स के साथ क्या जाएगा, AXE एक्स। तीसरा है फास्ट, FAST फास्ट, फास्ट के साथ जाएगा लास्ट। फिर है फोर्थ चॉप, CHOP चॉप, चॉप के साथ जाएगा STOP स्टॉप। और फिफ्थ है यंग, YOUNG यंग, इसके साथ जाएगा LUNG लंग। तो मैंने एक एक बता दिए हैं, अगले आप लोग आपस में बात करके सोचना। तो अब एक सवाल करती हूं मैं आपसे, आपको क्या लगता है ऐसे कौन से दो राज्य हैं जो नई दिल्ली की बॉर्डर से होते हुए जाते हैं? और दूसरा सवाल है, नर्मदा नदी जो है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसके जवाब मैं आपको थोड़ी देर में दूंगी। अब हम पढ़ते हैं लास्ट में कविता, द क्वारल। क्वारल का मतलब होता है लड़ाई। तो आप सबको पता है ना, आप घर में अपने भाई बहनों से कितना लड़ते होंगे, सब लड़ते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम बता भी नहीं पाते हैं कि हम लड़ क्यों रहे हैं। पर ऐसी लड़ाइयाँ कितने लंबे टाइम तक चलती हैं और ये खत्म कैसे होती हैं? तो आइए ये कविता पढ़ते हैं। आई क्वारल्ड विथ माई ब्रदर, आई डोंट नो वॉट अबाउट, वन थिंग लेड टू अनादर एंड समहाउ वी फेल आउट। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज रॉन्ग। He said he was right, I knew he was wrong. I quarrelled with my brother, मतलब मैं अपने भाई से लड़ा। I don't know what about, पर मुझे पता नहीं किस बारे में। One thing led to another, एक चीज से दूसरी चीज हुई। And somehow we fell out. Fell out का मतलब और ऐसे ही हम अलग हो गए, और किसी तरह से हम अलग हो गए। The start of it was slight. वो शुरू हुआ तब बहुत कम था, बहुत कम चीजों से और बहुत छोटी चीज से शुरू हुई थी लड़ाई। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, पर जब खत्म हुई तब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ही सेड ही वॉज राइट, मेरे भाई ने कहा कि वो सही है। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, पर मुझे पता था कि वो गलत है। अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। वी हेटेड वन अनादर, हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, और ऐसे ही दोपहर से शाम हो गई, शाम भी नहीं रात हो गई। देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक, और फिर अचानक से मेरे भाई ने मुझे पीछे से पकड़ा। एंड सेड ओह कम अलोंग, वी कैन गो ऑन ऑल नाइट, और तभी कहा चल अब हम पूरी रात भर ऐसे नहीं रह सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग, सो ही वॉज इन द राइट। तब मेरे भाई ने कहा ओ चल अब आ जा, हम पूरी रात भर ऐसे नहीं रहेंगे, मैं गलत था। तब मुझे पता चला कि वो सही था। तो अब आपने देखा कैसे भाई बहन के बीच में लड़ाई सुबह शुरू होती है पर शाम में खत्म हो जाती है। तो आप भी अपने भाई बहनों के साथ अगर लड़ो, तो अगर वो आपके पास नहीं आते तो आप उनसे जाके माफी मांग लो, ठीक है? तो अब इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं।
कि ये जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है इनका मतलब क्या होता है। एंड समहाउ वी फेल आउट, पहला है एंड समहाउ वी फेल आउट। तो जैसे मैंने ऊपर बताया फेल आउट का मतलब है अलग हो जाना। दैट आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, टर्न्ड ब्लैक का मतलब, दैट आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक का मतलब क्या होगा, दोपहर से रात हो गई। टर्न्ड ब्लैक का मतलब है काला हो जाना, और काली क्या होती है, रात। दूसरा क्वेश्चन है कि अब आपको इन सारी लाइनों को पढ़ना है और देखना है कि इनके मतलब क्या है। वन थिंग लेड टू अनादर, मतलब एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई हो, या एक चीज से दूसरी चीज बढ़ जाना। दूसरा है द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, मतलब जब शुरू हुआ तो बहुत छोटी सी चीज से शुरू होना। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, मतलब जो उसका एंड था यानी कि जो उसका अंत था वो बहुत बढ़ चुक वो बहुत बड़ा चढ़ाकर या बहुत बड़ा हुआ, बड़ी चीज थी। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, जैसे मैंने ऊपर बोला दोपहर से रात हो जाना। और लास्ट है थम्ड मी ऑन द बैक, मुझे पीछे से ऐसे बुलाना, जैसे हम थप्पी करते हैं ना छुपन छुपाई में, वैसे थम्ड मी ऑन द बैक। अगला है, अब आप ये बताओ कि आपके भाई या बहन या दोस्त के साथ आपका सबसे, आपने अभी लेटेस्ट आपका कोई झगड़ा हुआ हो तो, और वो कैसे शुरू हुआ, आपकी लड़ाई किस बारे में हुई और वो खत्म कैसे हुई। तो अगर आप में से किसी के पास भी ऐसी कहानी है तो खड़े होकर जरूर बताना अपने टीचर को। और जो मैंने ऊपर सवाल पूछा था तो अब उनके जवाब बताती हूँ। तो कौन से दो ऐसे राज्य हैं जो नई दिल्ली की बॉर्डर से होकर जाते हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये दोनों राज्य यमुना नदी के किनारे पर बने हुए हैं, और दिल्ली दिल्ली के पश्चिम में हरियाणा है और पूरब में उत्तर प्रदेश है। अगला सवाल था कि नर्मदा नदी किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो नर्मदा नदी तीन राज्यों से होकर जाती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये नदी अमरकंटक से शुरू होती है और मध्य प्रदेश में बेरा घाट से होते हुए ये पश्चिम की तरफ मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और गुजरात से होकर खंबाट में जाकर रुकती है। ठीक है, तो ये खत्म होता है लेसन नंबर 3।